अमेज़न वर्षा वन दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों में से एक है, जहां पर लोग एडवेंचर करने और नेचर को एक्सप्लोर करने आते रहते हैं। लेकिन क्या आपको यहां के खतरों के बारे में पता है? क्या आपको यहां के जानलेवा जानवरों के बारे में पता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न के खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल इन अमेज़न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अमेज़न के पानी में मौजूद शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक ईल की। यह ईल इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती कि किसी इंसान को पूरी तरह मार सके, लेकिन इसका 600 वोल्ट का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। यह मछली पानी की गहराई में रहती है और अपने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से शिकार करती है। इनके शॉक के कारण इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है, इसी वजह से ये किसी भी कलेक्शन में मौजूद नहीं मिलती। इंसानों के लिए इन मछली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्हें पकड़ने के लिए इनके इलेक्ट्रिक पावर का डिस्चार्ज होने का इंतजार करना पड़ता है। इन मछलियों का फर्टिलिटी सिस्टम भी काफी जबरदस्त है। यह एक बार में 3000 से ज्यादा मछलियों को जन्म देती है। यह छोटी मछलियां पानी की गहराइयों में मौजूद होती है, इसलिए एक बार पानी में पांव रखने से पहले जरूर अच्छे से देख लेना चाहिए। अरपाइमा फिश। 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन की यह मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। यह इंसानों को सीधे तौर पर तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अमेज़न जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इससे खौफ जरूर खाते हैं। यह मछली पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती है और कई बार तो यह किनारे पर आए जानवरों का भी शिकार कर लेती है। हालांकि यह मछलियां इंसानों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हड्डियों से सुनने वाली मशीन का निर्माण भी किया जाता है। ब्राजील गवर्नमेंट ने इसके शिकार पर रोक लगाई हुई है। मॉस्किटो। नुकीले दांत, तेज रफ्तार और जानलेवा जहर से भरे जानवरों की लिस्ट में मच्छर क्या कर रहा है? एक सर्वे के अनुसार अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा खतरनाक जीवों में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ होने वाली मौतों का सबसे बड़ा प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण होता है। अमेज़न में मच्छर आने वाले लोगों को कई ऐसी बीमारियां दे देते हैं जिनका पता लगाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको एक मजेदार बात बताऊं, मच्छर दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं। अमेज़न में आने वाले टूरिस्ट मच्छरों को मारने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे डीट कहा जाता है। लेकिन अब मच्छर इस टेक्निक से भी नहीं मरते, तो अगर आप इन जंगलों में जाए तो कुछ ले जाए या न ले जाए, मच्छरदानी जरूर ले जाए। अगला नंबर आता है दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले रेटल स्नेक का। वैसे तो अमेज़न के जंगलों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रेटल स्नेक उन सभी से ज्यादा खतरनाक है और इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी वही है। रेटल स्नेक को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रेटल स्नेक एक बार काट ले तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका में हुई सभी सर्प घटनाओं में से सबसे ज्यादा प्रतिशत रेटल स्नेक का ही है, जिससे कि आप इसके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेज़न के जंगलों में भी इसका कहर भयानक है। ब्राजीलियन वेंडरिंग स्पाइडर। इस मकड़ी को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वह मकड़ी नहीं है जिसे आप आसानी से कुचल दें। यह मकड़ी बड़े से बड़े जानवर को आसानी से अपने जहर से परेशान कर सकती है। हालांकि यह अपनी हर बाइट में जहर नहीं उगलती, बल्कि यह तीसरी बाइट से जहर फेंकना शुरू करती है। यह ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का कारण आज तक समझ नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि यह मकड़ी पहली बाइट में जहर छोड़ने की जगह बनाती है। उसके पीछे टेक्निक क्या है, यह पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन यह तो पता लगाया जा चुका है कि यह इस जंगल की छठी सबसे खतरनाक प्राणी है। अगला नंबर है पॉइजन डॉट फ्रॉग का। आपने कभी सोचा है कि बारिश में बेवजह टर्टर करने वाला मेंढक किसी की जान ले सकता है?
अगर आपने नहीं सोचा तो चलिए आपको मिलवाते हैं एमेजॉन के पांचवें खतरनाक प्राणी से। यह पॉइजन डॉट फ्रॉग नीले रंग के चमकीले मेंढक होते हैं। यह देखने में काफी खूबसूरत भी होते हैं और इनका रंग इन्हें पेड़ पौधों के बीच छूटने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि यह इंसानों के ऊपर जहर फेंकने की क्षमता रखता है। हालांकि ऐसा कर पाने की क्षमता इनकी प्रजाति के कुछ ही मेंढकों में होती है, लेकिन इस प्रजाति में ऐसे मेंढकों को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। यह मेंढक 2 इंच लंबे होते हैं और इनमें इतना जहर होता है कि यह 10 इंसानों को आसानी से मौत के घाट उतार दे। इन मेंढकों के जहर पर रिसर्च भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इनके जहर से बहुत ही ज्यादा दाम की दवाइयां बनाई जाएंगी। जैगुआर। खाने पीने में परहेज करने वाला जैगुआर अमेज़न के जंगलों में मौजूद 87 प्रजातियों से भी ज्यादा को खा सकता है। इन जानवरों में हिरण से लेकर बड़े चूहे तक शामिल होते हैं। इंसानों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन यह अपने रास्ते में आने वाले इंसानों को भी नहीं छोड़ेगा। यह खतरनाक जीव पानी में मौजूद जानवरों को भी नहीं छोड़ता। वर्षावनों में रहने के कारण जैगुआर तैरना भी जानते हैं। जैगुआर केवल पश्चिमी अमेज़न में पाया जाता है। यह स्वभाव से काफी गुस्सेल किस्म का जानवर होता है और खाने में केवल मांस ही खाता है। चीते की तरह इन्हें भी बड़ी बिल्लियों में गिना जाता है। हालांकि इन सबके बावजूद जैगुआर काफी खूबसूरत होते हैं और यह दुख की बात है कि जंगल खत्म होने के कारण जैगुआर की संख्या में भी कमी आ रही है। इनकी रफ्तार, शिकार करने की आदत और खाने के नखरे इन्हें अमेज़न के चौथे सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ब्लैक कैमन। मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ब्लैक कैमन की, तो यह मगरमच्छ की प्रजाति का सबसे खतरनाक मगरमच्छ है। एक समय था जब यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन इसे बचाने के लिए बनाए गए कानून के कारण यह बच गए और आज तक सुरक्षित है। यह मिट्टी के रंग के होते हैं, इसलिए अपने शिकार का इंतजार करते हुए आसानी से छिप जाते हैं। ऐसा यह इसलिए करते हैं ताकि यह आसानी से शिकार कर सके। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियां शामिल होती है, जिसमें पिराना जैसी मछलियां भी होती है, लेकिन यह जंगल में मौजूद दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। कुल मिलाकर इसके शिकार करने की खूबी इसे अमेज़न का तीसरा सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। एनाकोंडा। एनाकोंडा को कौन नहीं जानता, इन पर कई सारी फिल्में और कई सारी सीरीज बन चुकी है। इन्हें अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। हालांकि ये दूसरे सबसे खतरनाक प्राणी है, पहले के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको सांपों से नफरत है तो अमेज़न के जंगल आपके लिए नहीं है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये लगभग 21 फीट लंबे होते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ये जहरीले नहीं होते। यह बिना चबाए अपने शिकार को निगल जाता है, लेकिन दोस्तों जब यह भूखा होता है तो इसके सामने कोई सुरक्षित नहीं होता। इस लिस्ट में एनाकोंडा का स्थान दूसरा है और अब बारी आती है इस लिस्ट के सबसे खतरनाक जानवर की, जो कि एक मछली है। जी हाँ, अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली इस पिराना मछली को वहां पर रहने वाले लोग अपना सबसे बड़ा काल मानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस मछली के बारे में यह केवल अफवाह है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, यह मछली जितनी खतरनाक बताई जाती है, असल में उतनी खतरनाक है नहीं। यहाँ के रहने वाले लोग अक्सर नदी को पार करते हैं, जिस पानी में यह मछली रहती है। यह मछली अधिकतर मरे हुए जीवों को खाकर अपना गुजारा करती है। यह बड़े जानवर और इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करती, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा भूखी होती है तो यह किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वह इंसान हो या कोई बड़ा जानवर। इस मछली को पानी में खून की खुशबू आती है, तब अपने तीखे और नुकीले दांतों से किसी भी इंसान का मांस नोचने में देर नहीं करती। याद रखिए दोस्तों, अगर आप किसी खुले घाव के साथ पानी में उतर रहे हैं तो इस मछली के प्रकोप से शायद ही आपको कोई बचा पाए। कुल मिलाकर इस मछली को अमेज़न का सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है। आपको क्या लगता है,
हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।